हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज है 11 दिसंबर 2023 और 11 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वह उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया है। अब है इम्पोर्टेंट डे की बात, तो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? एड्स दिवस मनाया गया है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है और BSF स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को कौन कौन सा दिवस मनाया गया है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, 3 दिवस मनाए गए हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया है। 3 दिसंबर को मनाया गया है विश्व विप्लव दिवस, विश्व विप्लव दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को मनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। 5 दिसंबर को 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेविकी दिवस और विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया है। 6 दिसंबर को मनाया गया है महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया 6 दिसंबर को और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? तो किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। आईबीएम ने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? तो कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? बी ऑप्शन राइट होगा, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है टाटा मोटर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास जेवा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है, सी ऑप्शन राइट होगा, हुमा करेसी, हुमा करेसी ने अपना पहला उपन्यास जेवा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है मनोज सिन्हा ने वॉरियर और व्हील चेयर टू पराती पुस्तक का विमोचन किया है। अशोक टंडन जी द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विम को भी लॉन्च किया गया है और विवेक अग्नोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस भी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है, सुरेश रैना को, बी ऑप्शन राइट हुआ, सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। और इम्पोर्टेंट इससे क्या फैक्ट बनेंगे कि अटल दुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव भी नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग भी मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर आर स्वेन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को भी GI टैग मिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय, ये ऑप्शन राइट होगा, संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 59वां फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है, सी ऑप्शन राइट होगा, नई दिल्ली में 59वां
फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा देश चीन के BRI से अलग हुआ है। तो कौन सा देश अलग हुआ है, बी ऑप्शन राइट होगी, इटली देश अलग हुआ है चीन देश के BRI से अलग हो गया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। चीन के झाओ झिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा का आयात में 76% तक की कटौती की है। चीन के बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना भी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किसे बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो समीर शाह को, सी ऑप्शन राइट होगा। सेम अल्टमान को फिर से ओपन AI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। तो CM फेलोशिप कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है, बी ऑप्शन राइट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने CSGM विश्वविद्यालय से NET द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। किसने शपथ ली है, सी ऑप्शन राइट होगा, अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है ना, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन भी किया है। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य ने गरवा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया गया है। तो गुजरात राज्य के, सी ऑप्शन राइट होगा, गुजरात राज्य के गरबा को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया गया है। गोल्ड फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। गोल्ड फिश को गुजरात को स्टेट फिश घोषित किया गया है। गुजरात का पहला रेलवे कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का भी शुभारंभ किया है। गुजरात सरकार ने कोर्नो कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन भी किया है। गुजरात के काकरा पार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के लिए परिचालन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बीमा को सुलभ बनाने के लिए ACKO ने किसके साथ साझेदारी की है। तो किसके साथ साझेदारी की है, बी ऑप्शन राइट होगा, फोन पे के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो किसे चुना गया है, टेलर स्विफ्ट, बी ऑप्शन राइट होगा, टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया गया है। किसे मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया गया है, तो गूगल ने, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट होगा, गूगल मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है।
तो आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।